वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गैस, अगर आपके पास सैमसंग के कोई भी डिवाइस है, सच एस कोई मिड रेंज डिवाइस या फिर कोई हाई एंड डिवाइस, जैसे गैस ये है मेरा गैलेक्सी नोट 10 प्लस, तो वैसे इन सभी डिवाइस में यहाँ पर सितंबर महीने का सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो यहाँ पर सैमसंग ने प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं सेटिंग में गया, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। जाता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे, देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एंड गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट योर फोन यहाँ पर आपको लिखा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड्स न्यू करके आपको लिखा गया है। एंड नीचे की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो वैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है सेप्टेम्बर 1st 2021, एंड इसका जो साइज है वो है लगभग 150 MB का। सो अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो गाइस आपके सेटिंग्स में आना है, उसमें आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। सो चलिए इसको अभी यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं एंड इंस्टॉल भी करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या नए फीचर्स आपको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, और इंस्टॉल करने से पहले मैं एक बार इसका कैमरा वर्जन को यहाँ पर चेक करना चाहूँगा। तो इसका जो अभी जो फिलहाल इसका वर्जन है गाइस वो है 11.0.3। सो अब देखते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद इसका अपडेट यानी इसका जो वर्जन है क्या वो चेंज होता है नहीं। तो इसको मैं अभी इंस्टॉल नाउ पे टैप कर देता हूँ। एंड जैसे मैंने बताया कि सैमसंग जो मिड रेंज डिवाइस है उनको भी ये सितंबर महीने का जो अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। सो इनकेस अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है, जैसे मैंने बताया कि सेटिंग्स में आना है, उसके बाद आपको ये अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। तो लेके जाता हूँ सेटिंग्स में, देन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, लास्ट अपडेट। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ऑलरेडी सक्सेसफुल अपडेट दिखा रहा है। यहाँ पर आपको लिखा गया है यहाँ पर 1st सितंबर 2021, एंड यहाँ पर साइज देख सकते हैं। बात करें नए फीचर्स के बारे में, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नई फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। जो बग्स है उसको फिक्स किया गया है, एंड डिवाइस का जो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है उसका इंप्रूवमेंट किया गया है। एंड यहाँ पर जो फीचर्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। अब देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली में इंप्रूव्ड है, एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फोन का उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। बात करें यहाँ पर एनिमेशन पे, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनिमेशन है वो मुझे यहाँ पर लगा कि पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मेजर एनिमेशन स्मूथनेस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो एनिमेशन जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। बात करें पर नए चेंजेस में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ सेटिंग्स पे, देन आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ सिक्योरिटी पे, यहाँ पर बायोमेट्रिक्स पे, देन मोर बायोमेट्रिक सेटिंग्स, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैचेस। सो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपका जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैचेस है उसका फिंगरप्रिंट का वर्जन है 5.1.0.2, एंड जो फेस रिकॉग्निशन का वर्जन है वो 2.2.0.36। सो ये है यहाँ पर बायोमेट्रिक का सेटिंग्स। बात करें यहाँ पर कैमराज में, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा के लेआउट में कोई भी चेंजेस नहीं है। बात करें कैमराज को ओपनिंग करने में, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली यहाँ पर कैमरा जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। बात करें नए फीचर्स में, तो वैसे नए फीचर्स भी यहाँ पर नहीं है। एंड लास्ट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर क्वालिटी, सो यहाँ पर पिक्चर लेके देखते हैं। सो पिक्चर क्वालिटी जो है वो भी इतना खास नहीं है, जो पहले था वही है, ऐसा कोई भी मेजर जो इम्प्रूवमेंट है वो ऐसा नहीं है। बात करें फ्रंट कैमरे में, तो वैसे फ्रंट कैमरे में भी सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्मूथनेस, या फिर जो कैमरा का क्वालिटी है वो भी आपको लगभग सेम टू सेम मिलता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा वर्जन, वो भी एक बार देख लेते। सो इसमें जाते हैं कैमरा के इन्फो में। सो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन है वो 11.0.0.3, जो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट था उसके पहले भी यही सेम वर्जन था। तो कैमरा में कोई भी वर्जन का भी चेंजेस नहीं है, साथ में फीचर्स में भी आपको कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। एंड बात करें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, तो गाइस फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ पर स्मूथनेस को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप एक बार अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगर कोई भी नए फीचर्स देखने को मिलता है तो गाइस मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो चलिए गाइस इतना ही था, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सैमसंग के जो मीडियम स्मार्टफोन है जैसे गैलेक्सी M51, M31S, एंड यहाँ पर सैमसंग जो हायर डिवाइस है जैसे कि Note 10 Plus, Note 10, S10 Plus, S10, Note 20 Ultra, तो इन सभी डिवाइस में यहाँ पर जो सितंबर महीने के सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। सो अगर आपको अपडेट अभी तक नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अपडेट इन्फो में, उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा। सो चलिए गाइस इतना ही था इस वीडियो में। एंड गाइस यहाँ पर 1 ईयर 4.0 का जो अपडेट है उसके रिलेटेड भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप चाहे तो उसका जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप अपने चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोज लाता रहता हूँ। सो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।